जहां एक और नोटबंदी के चलते इलाज न हो पाने से मुंबई में एक नवजात शिशु की मौत होने की खबर सामने आई है। वहीं ऐसे हालात में वार्ड 74 में कांग्रेसी समाज सेविका पुष्पा भोले द्वारा लगातार मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाना लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इसी कड़ी में जोगेश्वरी के गौतम नगर के बाद प्रताप नगर स्थित शिव टेकड़ी में मरीजों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से इस सप्ताह भी कांग्रेस की ओर से पुष्पा भोले द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जहां नोटबंदी से आर्थिक परेशानी उठा रहे सैकड़ों लोगों ने मुफ्त चिकित्सा जांच का लाभ लिया। इस शिविर में अत्याधुनिक मशीनों से लोगों की हड्डियों से संबंधित बीमारियों की जांच की गई। इसके अलावा खून व हृदय संबंधी जांच के साथ साथ कई अन्य ऐसे चिकित्सीय जांच किए गए जिसे लोग अस्पतालों में कराने में असमर्थ रहते हैं। BMD ये हमारे हड्डी में के कैल्शियम लेवल क्या है इससे ये फाइंड होता है। और ये एरिया थोड़ा स्लम टाइप है, काफ़ी यहाँ पे मतलब गरीब हैं, ऐसे लोग हैं, तो ये सबको सब लोग मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, तो ये क्या मतलब फ्री कैंप हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे काफी मात्रा में सब लोग आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पुष्पा भोले द्वारा पूरे वार्ड में समय समय पर आयोजित किए जाने वाले इन चिकित्सा शिविरों को लेकर लोगों में खुशी भरा माहौल है। साथ ही इससे वार्ड 74 में कांग्रेस का जनाधार भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड्स भी आया था अभी 1 घंटा पहले, इसलिए यहाँ पे लेके आई है। अभी ठीक है, यहाँ तो प्रोसीजर अच्छा से चल रहा है, अभी हम लोग दवा ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, टेंशन नहीं है, सब अच्छा हो रहा है, इधर ऐसे होना चाहिए। मेरा पाँव का और सी जी उसका, इसके लिए हम आया है। गुड़गे दुखी है नहीं, चक्कर रहते गले, 4-5 गुड़गे दुखी को 2 वर्ष डालो 22 अस्थमी। वहीं पुष्पा भोले का कहना है कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए कांग्रेस के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम वे अक्सर आयोजित करती रही, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे जो मेडिकल कैंप हमने जो आयोजित किया कांग्रेस आई की तरफ से, तो उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट करा रहे हैं, फिर हड्डियों का जो कैल्शियम टेस्टिंग होता है वो चल रहा है, फिर बाद में हार्ट का जो होता है ECG टेस्टिंग है, और नॉर्मल जो होता है ना चेकअप वो चल रहा है। वैसे तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम अपने संस्था के थ्रू करती आ रही हूँ, लेकिन जब से मैंने कांग्रेस 2014 में ज्वाइन किया है तब से मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के कारण मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पार्टी को जितना हो सके अपनी तरफ से जितनी योगदान दे सकती हूँ, मैं अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जितना कार्यक्रम मैं कर सकती हूँ ताकि जन संपर्क में रहूँ और हमारी पार्टी का जो नाम है ऊंचा उठाने के लिए मैं जितना कर सकती हूँ मेहनत मैं करूँगी। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अरविंद विश्वकर्मा, सुर्खियां न्यूज़।